Be careful. Be careful? Yeah. Because very soon you're going to be like him. No. You give me a little blessing that I should remain in the Krishna consciousness. At least. Yes, you have so much devas trouble. Where you were going to keep us, no, in that room. You never thought us, how can we stay in that room? Just stand us like that. Brajananda Prabhu asked me. मैं आपका वीडियो कर लिया आराधी का सामान निकाला अमरीश
आप लोग बैठो इधर में favorite 10:31.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. किसी भी हालत में
भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए और दृढ़ता से लगना चाहिए। संसार में सुखी होने के लिए बहुत लोग चेष्टा करते हैं, क्योंकि बिना भगवत भजन के कोई जीवन में सुखी नहीं हो सकता। यदि हम लोग सोचते हैं कि सुखी होने के लिए रुपया बहुत जरूरत है, समझ लो ये से हर जवाहरात हीरा से भर दिया जाए और कोई प्रेम करने वाला न हो तो रुपया ही रख लिया, सोने के असर की हीरे जवाहरात भर दिया और कोई दूसरा न हो तो उस आदमी को आनंद रुपये से मिलेगा? यदि कुछ भी घर में नहीं है और प्रेम है सबसे, क्या है? इसलिए जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा जीवन में कदापि किसी भी संभव नहीं है जो सुखी। अभी जो हम लोग सुखी होने के प्रयत्न में हैं, ये सब छाया है। Thank you.
Thank you.
ब्रह्मा जी की स्तुति, शंकर जी की स्तुति, उनको सुन करके कृष्ण को रुचि नहीं, और गोपियों की गाली सुनकर ढोल रंबर ढोल सब कहेंगे ये मुझे पसंद है, उनकी स्तुति छोड़कर के उधर नहीं देखते, चार मुख वाले चतुर्थ ये ब्रह्मा जी कि लोग भक्त लोग भगवान को खोजते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और कृष्ण अपने भक्तों को खोजते हैं, गायों को खोजते हैं, बछड़ों को खोजते हैं, बंसल में खोजे गोपियों के लिए बंसी बजाई और सब गोपियां आ गई उसे मिले, और गाय बछड़ों के लिए खोजते 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 नंगे पांव डोलते हैं सब, ऐसे कृष्ण जैसा दयालु जगत में कोई नहीं, राम भी दयालु है और सब लोग दयालु, किंतु कृष्ण जैसे नहीं, वैकुंठ पाना सहज है, अजामिल ने एक नारायण नाम सुना है, मुझे नारायण के लिए नहीं अपने बेटे में आसक्त होकर के महादुराचारी लाखों लोगों की हत्या करने वाला, अपनी मैया बाप अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देने वाला, शराब पीने वाला, और एक बार अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण मरते समय, और भगवान ने विष्णु ने आकर के उसको मुक्ति से मुक्ति से छुड़ा दिया, और अंतुर वैकुंठ को हो गया, और कोई श्याम श्यामा का कीर्तन कर रहा हो बड़े प्रेम से उसको क्या होगा, कृष्ण के लिए ही कृष्ण को संबोधित होकर के श्यामा श्याम के संबोधित करने के लिए समझ बूझ कर बड़े प्रेम से आंखों में आंसू भर कर, यदि कोई कार्य कर रहा है तो नारायण सुन लेंगे और ये श्याम श्यामा नहीं सुनेंगे, नारायण कौन है, कृष्ण के अंशों के अंशों की कला के विकला है और कृष्ण भक्ता की चरम सीमा है, देखने में छोटा सा बालक बसुरिया बजाता हुआ नंगे पैर चलता है, मोर का पंख यहाँ पर लेकर मोर का पंख किस लिए लेता है, उसमें राधा का नाम है अच्छी तरह से, तो किस लिए यहाँ धारण करता है, राधा पीताम्बर धारण करता है किस लिए, किसलिए बोलो तो बेटी उनका रंग पीला है इसलिए वो धारण, कदम्ब को वो अधिक प्यार करते हैं किस लिए, वो थोड़ा सा पीले रंग का उसका फूल और राधा जी का जम गया इसलिए, राधा जी वही सब चीजों को धारण करती है जिसे कृष्ण का अध्ययन करता है, तमाल को बड़ा प्यार करती है, उसके पत्ते बड़े घने श्याम होता है, जिसे कृष्ण राधा जी का संबंध नहीं है, कृष्ण ऐसा कोई चीज भी धारण नहीं करता, राम सीता जी को प्यार करते हैं किंतु छोड़ भी सकते हैं ना, कृष्ण नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तरसेंगे दिन रात दुख दे देंगे क्या क्या करेंगे, और अपने भौरे बनकर के राम भौरा बन करके सीता जी के पास में गया है, बड़े दया किंतु बड़े कड़े भी हैं धनुष बाण लेकर, ये बंसी एक बार भी कृष्ण का नाम सनातन गोस्वामी जी कहते हैं जय जय नाम आनंद धर्म ध्यान परिणीतम संध्या जय जय नाम आनंद आनंद का साथ
सचिदानंद स्वरूप कृष्ण से भी बड़ा दयाल कृष्ण से भी अधिक माधुरी ऐसा ना यदि कोई एक बार भी चलते फिरते भविष्य फिसलते हुए पैर भी आदर के साथ में अनादर के साथ में जैसे तैसे भी निकल जाए संसार तो उसका चुट्टी बजाते हैं बंद हो जाता है कौन सी आ सकती जिसमें हम बदले हुए हैं शिकल में नहीं बंधे हैं किंतु बेटे के स्नेह से बंधी हुई पति के स्नेह से बंधी हुई घर के मोह से बंधी हुई ये लोहे के शीतल मोटी मोटी से भी ये बड़ी कर इसको तोड़ना बड़ा भारी कठिन किंतु कृष्ण का यह नाम क्या करता है उसको भी तोड़ पाते और प्रेम से यदि कहा जाए आंखों में आंसू देकर तो हृदय बड़ी श्याम जैसा सुंदर कीर्तन क्या चित्र में लगा करके उसको उसी रूप का चिंतन करते हुए कोई करने लगे तो क्या होगा श्याम क्षमा आ जाएंगे उसको ढूंढेंगे कहाँ से आवाज आए हे द्विनाम आदर से अनादर से जैसे तैसे जब उसका यह संसार दूर हो जाएगा वृंदावन की प्राप्ति मिल जाएगी और ऐसे नाम को जो देते हैं वो कितने बड़े दयालु हैं ऐसे वैष्णव ऐसा जो नाम करता है लोग वृंदावन जो जाएगा जैसे उतना कृष्ण ने मारा उसका स्तन के साथ में प्राण लेते हैं अच्छा उसकी बुराइयां जो थी अशोक स्वभाव कृष्ण को मारने की भावना वो सबको हर कर दिया कि नहीं वो कैसी बदली होगी कैसी बदली है जब तू बोलता ठीक है उसकी बुराई आपकी किसी नहीं पाप हरण ने क्या उसकी जितनी दुष्प्रवृत्ति है अब वो क्यों साधु बन करके माता का भाव कृष्ण को हाथ हो गया उसके लिए मैं कैसे कोई नहीं है तो कोई भगवान का नाम करे उसमें प्रेम हिंसा कपटता मूर्खता बदमाशी बदला लेने की भावना अर्थ के प्रति लालसा सब तब तो गुरु वृंदावन जाएगा ऐसे ही जाए कोई पूरा भाव वाला कभी भी नहीं जाए यहाँ तक कि सांसारिक आसक्ति भी सब ऐसा ही जब अजामिल ऐसा दुष्ट जैसे भगवान के पंतों का दर्शन हुआ है उसके बाद भी उसका स्वभाव कैसे बदल गया होगा स्वभाव घर की आसक्ति कट गई वो एकदम हरिद्वार पहुंचा और अपने गुरु को उनके गुरु कौन है पता नहीं है अरे वो चार जो आए बतलाई ना तो गुरु हुए इसलिए उनके गुरु हुए वो तो गुरु जी पहले तो दया तो कर दिया किंतु बोले नहीं उससे उसका चरण नहीं छूने दिया चले गए जब उसका चित्त अब एकदम शुद्ध होकर के भगवान के लिए ही भगवान को पुकार लिए और हर बार में रोज गंगा स्नान करता हो गया तब फिर वही लोग आए बोलता है अरे पहले तो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं क्या कुछ नहीं किया और अब तो बुला हमको लेने के लिए चल रहे हैं अब मैं नहीं मानते पहले संसार नष्ट हो गया तुम्हारा बच्चे को भी पार कर गया किंतु अभी तक तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं था अब तुम्हारा प्रेम आ गया अब तुम बुराई हटने से भी नहीं होगा संसार के प्रति कहीं भी द्वेष हिंसा द्वेष मात्र नहीं रहेगा हमारे कर्मों से ही ऐसा होगा हमने किया इसका फल होगा द्वेष हिंसा कहीं नहीं होगा और इसके बाद में किसी संत का मिलन होगा वो हमारे अंदर में प्रेम भर देगा क्या
पहले आएगी ये भावना कैसे देखो कृष्ण की सेवा करने से तुम्हारी सब बुराइयां दूर पाप दूर हो गए और तुम्हारे अंदर में कृष्ण सेवा की वासना ये भक्ति लता का बीज है। यदि गुरुदेव किसी के हृदय में ये चीज को रोपण कर दिया ये कृष्ण की सेवा वासना करने से तुम्हारा सब जन्म जन्मांतर सफल हो जाए। रुपए पैसे से नहीं होगा, अच्छे घर में विवाह से नहीं होगा, भोगों में लग जाएंगे। मीरा भाई ने करके तो देख लिया और संसार खूब किया और अंत में क्या देखा, बेकार। भजन ही सार्थक है, घर में रहो बाहर में रहो जहां भी रहो जिस रूप में रहो। अच्छा ये बतलाओ नारद जी है ना, नारद समस्त ऋषियों के बीच देवर्षि अग्रगण्य भगवान जी उनको प्रणाम करते हैं। और ब्रज की एक सबसे छोटी गोपी कोई हो, दोनों में बड़ा कौन है? क्यों साधारण रूप में देखने से ऐसा है, यशोदा जी हैं, यदि नारद जी को देखेंगे नारद जी का चरण धूल लेंगे और नारद जी मन में क्या कहेंगे, यशोदा की बड़ी सौभाग्यशाली है कि वो तेरे गोद में थी। नारद जी को सौभाग्य नहीं है जो कृष्ण की मैया बन जाए, उनके मित्र बन जाए, उनकी प्रेयसी बन जाए। जिसकी तुलना नहीं, कृष्ण जिनके चरणों की आराधना करते हैं, कृष्ण स्वयं गोपियों जैसा उनका कोई भी नहीं। रुक्मिणी सत्यभामा को अंगुली दिखा करके कहा यदि गोपियां कहें मैं तुम सबको एक मिनट के अंदर भी छोड़ दूंगा, मैं उन्हीं लोगों के लिए तुम्हारे पास नहीं। थोड़ी सी रुक्मिणी हमारी उनके समान चंद्रावली के समान जरा देखने में, और सत्यभामा कैसी है बोली मैं चाली में रंग में रूप में थोड़ी सी लगती है राधा जी, इसलिए समानता के लिए तुम लोगों को रखा हूँ, उनका स्मरण होता है इसलिए कभी कभी कब छोड़ मुझे प्रेम में क्या जादू है। गोपियां अपने लिए कुछ नहीं चाहती बस कृष्ण, ऐसा कोई उदाहरण नहीं, सीता जी भी नहीं कोई भी सत्यभामा रूप में नहीं। कृष्ण के नख चंद्रिका पैर ही नहीं, नख की चंद्रिका का अग्रभाग अपने कोटि कोटि प्राणों से ही निर्वंचन करते हैं, आरती उतारती है कौन राधा जी। और कृष्ण क्या करते हैं राधा जी के पद की चंद्रिका का कोटि कोटि प्राणों से दोनों में कहीं भी स्वार्थ नहीं है, जैसे संसार में है ना स्वार्थ ऐसा है, तो उनके भक्तों में भी ऐसा है। जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, भक्तों भगवान के लिए करते हैं, जब हम भक्तों में करते हैं ऐसा नहीं है। विशेष करके ब्रजवासियों का कृष्ण था नहीं पाते हैं, कृष्ण भी था नहीं पाते हैं, जी गोपियां हमको कितना प्यार करते हैं तो जानने के लिए महापुरुष हुए, गोपियां हमको कितना प्यार करते हैं, राधा जी कितना प्यार करते हैं, अपना सर्वस्व होना चाहिए। तो उन लोगों की चिंता करने से इसलिए अपने सारे दुर्गुणों को दूर कर जो भगवान का नाम कहीं भी संसार में रहता है वही हमारी फैमिली का हो ऐसा समय में ऐसा लिखा भी है रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, सत गोस्वामी ने, भागवत ने, गीत ने, जो भगवान का नाम करता है वो हमारा, और जो नाम करके भगवान में डूब जाता है उसके हम सेवक प्राण देकर के उसकी सेवा, उसकी हम ऋण नहीं चुका। आप लोग कहीं भी कोई ईर्ष्या द्वेष कलह भगवान का भजन कर
कोई अपकार भी करता है तो उसका उपकार करना है, ये भाव। हाँ जी, हम बाद में फोन करिए, आप बाद में फोन करिए। हाँ जी, हेलो, शांति। अच्छा, तुम्हारी हारमोनियम है तो उसको ठीक करा दो, आज ही ठीक है, शाम को सुना। आप तो यहीं पर रहते, कहाँ रहते हैं? तो शाम को हम लोग की जो सभा होगी या कर आज शाम को 7 बजे से 6:30 बजे से कीर्तन है यहाँ, गिरधर डागा जी भी आ रहे हैं, बहन भी बैठेंगी और उसके बाद महाराज जी के प्रवचन। 5 तारीख को ताराबाई हॉल में महाराज जी का विशेष कार्यक्रम है, आप सबको शायद पता हो ना पता हो तो मरीन ड्राइव ताराबाई हॉल जिमखाना के पास महाराज जी का विशेष प्रोग्राम है, तो आप सब पढ़ा दिए और महाराज जी की अमृत वाणी का रस्ता साधो। शाम को 5 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा भक्ति संगीत का प्रोग्राम है, 6:30 बजे से महाराज जी के प्रवचन है, 6:30 से 7:45 विशेष अभिनंदन है बम्बई के लोगों के द्वारा वैदिक उच्चारण के साथ, और उसके बाद महाराज जी का प्रवचन। उन लोगों की महाराज जी वही इच्छा है, तो अपनी तरीके से करना चाहते हैं, बाद में आपकी चरणों की कृपा से वो आपकी तरीके से। अधिक से अधिक क्या कहेंगे, आपने जगत की सृष्टि की है, जगत का ध्वंस कर सकते हैं, आपने गरीग्रह के ऊपर में दया, राधा जी की चरण की लक्षचंद्रिका को भी स्पर्श नहीं कर सकेंगे, और यदि कोई ऐसा स्तर शुक्ति करेगी हमारे विश्वास कृष्णचंद्र राधा जी के कुंज में पधारना चाहते हैं, और दूसरी उनका मना कर दे जाओ, यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, उस स्तर से बड़ी स्वस्थ वाचन बोलना चाहते हैं आप उनको आज्ञा दीजिए। लोगों को प्रेम भक्ति के तरफ में तुम लोग सभी लोग सुखी रहो, और प्रेमानंद।